नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। मॉर्निंग 10 क्वेश्चन 10 मिनट की सीरीज शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास का पहला जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है, जोधपुर की किस महिला ने चांद पर 1 एकड़ जमीन खरीदी? संभवतः राजस्थान की पहली महिला है जिसने चांद पर जो है वो जमीन खरीदी, चांद पर जमीन खरीदी है। तो लूना सोसाइटी इंटरनेशनल जो है वो चंद्रमा पर क्या बेच रहा है? जमीन बेच रहा है, ठीक है ना। और हमारे राजस्थान की मीना बिश्नोई जी ने 1 एकड़ जमीन जो है वो खरीदी है। तो चांद पर जमीन खरीदने के लिए संपर्क करें लूना सोसाइटी इंटरनेशनल। आगे बढ़ते हैं, भारत के चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली। इस कामयाबी पर बाड़मेर के किस व्यक्ति ने इसरो के वैज्ञानिकों को 1 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई है? 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई है। और हमारे राजस्थान का एक व्यक्ति, उस व्यक्ति की बात करें तो वो बाड़मेर जिले का, और बाड़मेर जिले के जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं उसका नाम है पृथ्वीराज सिंह। हमारे राजस्थान के बाड़मेर जिले के पृथ्वीराज सिंह, और पृथ्वीराज सिंह इसरो के वैज्ञानिकों को कितने रुपए देंगे? 1 करोड़ रुपए चंद्रयान 3। फिर आता है, प्राचीन भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का प्रतीक चिन्ह कौन सा है जो खगोल विज्ञान के लिए प्रदेशवासियों के उत्साह और जिज्ञासा को दर्शाता है? ये आपका स्टार यानी कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हमारे राजस्थान के अंदर है जयपुर, और जयपुर में जंतर मंतर। जयपुर का जंतर मंतर, और जयपुर का जो जंतर मंतर है वह प्राचीन भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का प्रतीक चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह था। उसके बाद में आता है, नासा के सहयोग से कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए एस्ट्रॉइड खोज अभियान संचालित किया जा रहा है। तो राजस्थान के अंदर एक अभियान चल रहा है, एस्ट्रॉइड खोज अभियान। और ये अभियान जो है वो कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए है? कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए, और किसके सहयोग से संचालित है? तो नासा के सहयोग से संचालित है। शिक्षा के क्षेत्र का अच्छा और इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन आता है, महाबाड़ी केंद्रों में, राजस्थान में कुल महाबाड़ी केंद्र अगर पूछे कितने संचालित है, तो 2838 महाबाड़ी केंद्र संचालित है, जिसमें कितने क्लास तक के बच्चों के लिए पढ़ने की सुविधा के साथ साथ पोषण के लिए भोजन भी उपलब्ध करवाया जा रहा है? तो राजस्थान के अंदर नर्सरी से लेकर चौथी कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान के अंदर महाबाड़ी केंद्र जो है वो संचालित किया जा रहा है। और महाबाड़ी केंद्रों के अंदर अगर प्रदेश में कुल संचालित महाबाड़ी केंद्र अगर पूछे तो प्रदेश में कुल संचालित कितनी है? 2838 महाबाड़ी केंद्र संचालित है। फिर आता है, राज्य के किस जिले को इंडिया जूडो अकेडमी आवंटित की गई है? राजस्थान के अंदर जूडो खेल के लिए, और जूडो खेल के लिए जो आवंटित की गई है वो जूडो एकेडमी जो है वो हमारे राजस्थान के उदयपुर के अंदर बनाई जाएगी, कहाँ बनाई जाएगी? उदयपुर के अंदर बनाए जाने की घोषणा जो है वो की गई है। तो राज्य में इंडिया जूडो एकेडमी आवंटित जो की गई है वो किस जिले के अंदर है? उदयपुर के अंदर की गई है, इंडिया जूडो एकेडमी है। फिर आता है, खुद के खेत में रेस्क्यू सेंटर खोलकर मूक प्राणियों एवं वन्य जीवों को रेस्क्यू कर जीवन बचाने वाले जालौर जिले के किस व्यक्ति का चयन राष्ट्रीय स्तर के अभितवा गुहा मेमोरियल ग्रीन वॉरियर अवार्ड के लिए हुआ है? अभितवा गुहा मेमोरियल ग्रीन वॉरियर अवार्ड राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाने वाला पुरस्कार है। ये पुरस्कार अब की बार जालौर जिले के एक व्यक्ति को मिला है, और ये मिलने वाला जो पुरस्कार है वो खुद के ही खेत में रेस्क्यू सेंटर खोला गया था प्राणियों के लिए, जानवरों के लिए, यानी कि जो मूक प्राणी बोल नहीं सकते, वन्य जीवों के लिए। और उस व्यक्ति का नाम आता है हमारे पीरा राम दायल जी को यह पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा, को यह पुरस्कार दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन आता है, जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में राजस्थान राज्य में 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किसने किया? राजस्थान राज्य में 33 खेलो इंडिया केंद्रों का जो उद्घाटन किया गया वो केंद्रीय खेल मंत्री जी के द्वारा किया गया, और केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? श्री अनुराग सिंह ठाकुर।
श्री अनुराग सिंह ठाकुर। और श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी के द्वारा राजस्थान राज्य में 33 खेलो इंडिया केंद्रों का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। फिर आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे गंगानगर जिले का एक व्यक्ति, चंद्रयान 3 मिशन के प्रमुख वैज्ञानिकों की टीम में श्री गंगानगर जिले के किस होनहार युवा वैज्ञानिक की भी अहम भूमिका रही है। इनमें दो वैज्ञानिकों का नाम आया, एक तो है कोटा जिले का, कोटा जिले के युवा वैज्ञानिक का नाम है सौरभ शर्मा, ये भी शर्मा जी हैं, और राजस्थान से गंगानगर जिले से जो गए हैं वो भी शर्मा जी हैं। तो राजस्थान के राज शर्मा, गंगानगर जिले के राज शर्मा जो ताखरा वाली से संबंध रखते हैं, श्री गंगानगर जिले के एक होनहार युवा वैज्ञानिक, उन्होंने चंद्रयान 3 मिशन में वैज्ञानिकों के साथ में ये टीम में शामिल थे। राजस्थान से दो हैं। फिर आगे आता है 1,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की पहली हाईटेक 8-लेन टनल कहाँ बन रही है। ये बन रही है कोटा के अंदर, और कोटा में भी किस मुकुंदरा हिल्स यानी कि राजस्थान के अंदर जो मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है, इस टाइगर रिजर्व के अंदर जो है वो बनाने की बात आती है, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, और टाइगर रिजर्व के पास में ये बन रही है। तो राजस्थान के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, कोटा, और 1,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की पहली हाईटेक 8 टनल जो है वो बनाई जा रही है। फिर आता है 24 से 26 अगस्त 2023 तक 16वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये आयोजन जो है वो हमारे राजस्थान के जयपुर में किया जाएगा, और जयपुर में आर्यन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ जयपुर का आयोजन भी अगर पूछे कब से कब किया जा रहा है तो 24 से 26 अगस्त किया जा रहा है। रोजाना आप इसकी PDF जो है संकल्प कोचिंग टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। 10 मिनट 10 क्वेश्चन, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, रोजाना देखा करें और इनको नोट करते रहें, आगामी सभी भर्तियों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, जो इस चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।